चलिए आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस देने का तरीका। देखिए पब्लिक नोटिस कब कब देना होता है, एक तो जब माइनर मेजर हो जाता है तो उसे बताना पड़ता है कि मैं पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा रिटायरमेंट ऑफ एन एक्टिव पार्टनर, अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे भी क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब पब्लिक नोटिस देने का तरीका, एक होगी अनरजिस्टर्ड फर्म और एक होगी रजिस्टर्ड फर्म। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो कैसे नोटिस देगी, नंबर 1 बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और 1 वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर मतलब लोकल न्यूज़पेपर में देगी। अनरजिस्टर्ड फर्म है तो 2 जगह नोटिस देगी, एक तो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट और दूसरा दूसरा कहाँ पे, 1 लोकल न्यूज़पेपर, लोकल मतलब वर्नैकुलर न्यूज़पेपर। और रजिस्टर्ड फर्म है तो ये दोनों जगह पे तो नोटिस देगी देगी, एक तो ऑफिशियल गजट में भी देगी और एक लोकल न्यूज़पेपर में भी देगी, और तीसरा किसको देगी, टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, किसको देगी बोलो, टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, डन इट। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, बढ़िया है। तो आपका पूरा का पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो पिछली बार 18 नंबर का आया था, ऑन एन एवरेज 10 से 20 नंबर का रहता ही रहता है, ये एक्ट आपका समाप्त हो जाता है। कल फिर एक नई शुरुआत करेंगे, नए एक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।